चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी में बढ़ी हलचल। बीजेपी जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेसियों में भयंकर जश्न। बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के कई नेता पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस बारे में खुद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दिल्ली आवास पर बीजेपी जेजेपी नेताओं पदाधिकारियों समेत पार्षदों सरपंचों पूर्व पार्षदों और पूर्व सरपंचों अनेकों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इसी के साथ आपको बताते चले, कांग्रेस में शामिल होने वालों में पूर्व जिला पार्षद मांगे राम चौहान, पूर्व चेयरमैन विक्रांत सिंह, पूर्व पार्षद रामवीर सिंह, पूर्व पार्षद कुग्गर सिंह, सुनील नंबरदार, मनोज पंच तरुण सरपंच, पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य देवव्रत सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन प्रधान सुरेंद्र शर्मा, पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य राव महेंद्र सिंह, नगर पालिका सोहाना के पूर्व प्रधान सरदार रतन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर आए आनंद सरपंच, ऑल इंडिया ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष आजाद भारद्वाज, पूर्व सरपंच देवराज राघव देवेंद्र शर्मा, आरती एसोसिएशन सोहना के नेता विकास गुप्ता, सुकुंड सोहना के पूर्व प्रधान शिवराघव ब्रह्मा जेलदार, पूर्व सरपंच आमिलाल, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसके अलावा ब्लॉक समिति के सदस्य महेंद्र यादव, कन्या परिषद गुड़गांव के सेक्रेटरी मनोज यादव, ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष बागेश तंवर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नेश रस, आम आदमी पदाधिकारी मुकेश चौधरी, हरीश शर्मा, सुरेंद्र सिंह, रोशनलाल, देवराज सिंह, रमेश छोकर और बिल्लू यादव समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे।